हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि ड्यू फॉल के सेकंड ईयर के एडमिशन कब होंगे, और साथ ही हम बात करेंगे कि सेकंड ईयर की एडमिशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो इन दोनों डाउट को क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई डाउट हो तो हमारे संग कमेंट करके उसको शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, सेकंड ईयर के एडमिशन आपके स्टार्ट जब होंगे, जब आपके फर्स्ट ईयर यानी कि सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके अगर किसी सब्जेक्ट में आपका फेल हो जाते हो, कि आपकी बैक आ जाती है, तो सेकंड ईयर के एडमिशन के टाइम पर वो फॉर्म भी आपसे फिलअप करा लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए होंगे वो सब्जेक्ट भी आपका चूज़ करा के सेकेंड ईयर में कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो सेकंड ईयर में उस सब्जेक्ट के साथ ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट करा दी जाएगी। तो सेकंड ईयर के एडमिशन जब ही स्टार्ट होंगे, जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं और साथ ही अभी इंटरनल असेसमेंट भी सेकेंड फेज के चल रहे हैं। तो सेकेंड ईयर के एडमिशन आपके नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के अभी इंटरनल असेसमेंट दोबारा से कराए जा रहे हैं। तब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके नवंबर दिसंबर में सेकेंड सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करे जाएंगे। उसके बाद आपके सेकेंड ईयर के एडमिशन कहीं ना कहीं स्टार्ट करा दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड ईयर की एडमिशन फ़ी क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने एडमिशन फॉल में लिया था यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या पेमेंट करी थी वो आप थोड़ा सा जानिए, उसको दोबारा से याद कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में 6,800 से लेके 7,000 तक अपनी फ़ी पे करी थी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए। और वहीं दूसरी ओर बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 7,700 से लेकर 8,000 तक अपनी फ़ी पेमेंट करी थी फर्स्ट ईयर के लिए। और यहीं पे अगर मैं बात करूं ऑनर्स के, जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रोग्राम वाले स्टूडेंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रही होगी पेमेंट। तो अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम के अलावा जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी पेमेंट कहीं ना कहीं 8,000 से 9,000 तक के बीच रही होगी। और साथ ही जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी यही सीन हुआ होगा कि उनकी भी जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं 9,000 से लेके 9,800 तक गई होगी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं 10,000 से नीचे नीचे आपकी जो पेमेंट थी वो रही होगी। तो फर्स्ट ईयर की क्या फ़ी थी वो आपको पता ही है, जो अभी मैंने बताया सेम इसी तरीके से आपकी फ़ी गई होगी फर्स्ट ईयर की। तो सेकंड ईयर में एडमिशन फ़ी जो होगी वो आपकी सेम फर्स्ट ईयर के मुकाबले ही हो सकती है, यानी कि आपने जो फर्स्ट ईयर में पेमेंट करी थी उसके आसपास ही आपको सेकंड ईयर में करनी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीए प्रोग्राम की 6,800 से लेके 7,000 तक की पेमेंट थी, वही आपकी सेकेंड ईयर में भी रहेगी। यानी कि 100-200 रुपये का आपको देख सकते हैं कि 100-200 रुपये का गैप हो सकता है, ऊपर नीचे 100-200 रुपये हो सकते हैं, वरना आपके सेम ही पेमेंट रहने वाली है, सेकेंड ईयर की एडमिशन फ़ी रहने वाली है। यानी कि आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो तो आपकी 7,000 अगर गई थी पेमेंट, तो आप 7,000 के ऊपर नीचे ही अपनी दोबारा से सेकेंड ईयर की पेमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन फ़ीस थी वही सेम आपकी सेकेंड ईयर में भी रहेगी, बस 200-300 रुपये का गैप हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि सेकेंड ईयर की क्या फ़ी रहेगी और आपका सेकेंड ईयर के एडमिशन कब स्टार्ट हुए होंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन होने में टाइम है, तो आपको नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी।